गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर 17 वॉल्यूम स्टार्ट किया हुआ था, उसके मैंने आपको दो फॉर्मूले अच्छे से करवाए थे। आज उसका कर रही है सम 6। ए वुडन ब्लॉक इज ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। वुडन ब्लॉक दिया है, उसकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है, क्या पूछा है उसका वॉल्यूम। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट है तो नेचुरली ये क्यूबॉइड शेप है, पर अगर आप देखो कि तीनों इक्वली हैं, 12 12 12 है, यानी कि वुडन ब्लॉक है वो क्यूबिकल शेप में ही है, तो इसमें दोनों में आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। वैसे हम देखेंगे किसका क्यूबॉइड का, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट दी है ना, तो उस अकॉर्डिंग ही चलेंगे। लेंथ है 12, ब्रेथ भी 12 है, हाइट भी 12 है, तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, 12 × 12 × 12 कितना आंसर आ गया, 1728 क्यूबॉइड है, सॉरी वॉल्यूम है, तो यूनिट क्या है, क्यूब पर क्यूब। ठीक है बच्चे, आगे इसके फिलप्स है। फिलप्स बहुत ईजी है, वॉल्यूम पूछा है क्यूब का जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, आप खुद सॉल्व करो आंसर लिख देना। सेकंड बी पार्ट में पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। फिर वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स और क्यूबाइड, रेक्टेंगुलर बॉक्स भी क्यूबाइड शेप में होता है ना। अभी मैंने लास्ट टाइम भी आपको एग्जाम्पल दी थी डस्टर की, स्वीट बॉक्स की, है ना, नोटबुक की भी ले सकते हो। ये देखो नोटबुक, ये भी क्यूबाइड शेप में है, इसकी इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स भी कह सकते हैं हम, क्यूबाइड शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, बुक को नहीं बोलेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब अगर कोई बॉक्स होता है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, ये भी आपको आता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब आगे हम 8 क्वेश्चन पे, इसमें भी आपने वॉल्यूम पता करके दिखाना है। ये कौन सी शेप है, वुडन ब्लॉक बना हुआ है ना, वुडन ब्लॉक की कौन सी शेप है, ये भी क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है, अलग अलग। यहाँ बुक बनी हुई है, बुक भी कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड, देखो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या है, अलग अलग। ठीक है, इनका भी वॉल्यूम निकालना है, सिंपल है। इसका जैसे ए पार्ट देखो एक बार, लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक कितनी है 10, ब्रेथ कितनी है 25, हाइट कितनी है 5, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आंसर। आपने लेंथ ब्रेथ में बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, कई बार हम हो सकते हैं बुक को चेंज करते हैं, ये आपको देखने पे डिपेंड करता है कि आप बुक किस साइड पे देख रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज़ किस साइड से हम देख रहे हैं तभी हम उसकी लेंथ ब्रेथ मेजर करते हैं। चलिए, इसके बाद इसका बी पार्ट आप खुद करोगे, लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दी हुई है, वॉल्यूम आपने लिख लेना है। फिर 9th क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आपने टिक द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके भी सभी पार्ट्स जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था वैसा ही इसमें है, कि सभी क्या है चैप्टर के बेस पे है, ये आपने खुद करने है और आंसर फिल कर देने है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।